हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने के लिए आप लोगों के बीच आ चुके थे। आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि ANM का वैकेंसी फिर से कब आएंगे। तो चलिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ANM का 11,000 न्यू वैकेंसीज के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ANM के कैंडिडेट बहुत हैं जो वेट कर रहे थे कि ANM की न्यू वैकेंसी कब से आने वाला है। तो 11,000 न्यू वैकेंसी का खुशखबरी है आप लोगों के लिए, इनसे ज़्यादा ही सीट आने वाला है। चलिए हम आपको पूरा डिटेल्स जानकारी देते हैं। ANM के लिए खुशखबरी है भाई, ये वीडियो सारे स्टूडेंटों को शेयर कर देना, क्योंकि ये ANM का 11,000 न्यू पोस्ट आने वाले हैं। इस डिटेल्स के बाद आप लोग को कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, कब से करना है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सैलरी कितना मिलेगा, परमानेंट रहेगा या संविदा पर बहाली होगी। पूरे जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके देते हैं। तो चलिए नोटिस पर देखते हैं। बता दूं फ्रेंड कि आज के पेपर के माध्यम से ये जानकारी निकल कर आ रही है, यहाँ पर हम आपको पूरा डिटेल्स जानकारी देंगे। वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा, एक एक करके पॉइंट देखिएगा। 28,391 लोगों पर एक चिकित्सक, यहाँ पर देख लीजिए पूरा डिटेल्स। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंसी के अनुसार देश में 11,082 के आबादी पर एक चिकित्सक है, सेंट्रल ब्यूरो हेल्थ इंटेलिजेंस के अनुसार। जबकि बिहार में 28,391 की आबादी पर एक एलोपैथिक चिकित्सक है, यहाँ पर ये डिटेल्स देख लीजिए। AMC के अनुसार 1681 की आबादी पर एक चिकित्सक है, वहीं आप लोग देखेंगे। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति 1,000 की आबादी पर एक चिकित्सक की आवश्यकता है। यानी कि आप लोग देख सकते हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सिर्फ 1,000 आबादी पर एक डॉक्टर रहना चाहिए। राज्य में चिकित्सकों के आंकड़ों के अनुसार राज्य में अस्थायी चिकित्सकों के अब 12,895 पद स्वीकृत थे, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ से डिटेल्स। अपना राज्य में, बिहार राज्य में 12,895 पद स्वीकृत थे, जबकि उसकी तुलना में 6,303 पद पर चिकित्सक कार्यरत थे। यानी कि यहाँ पर अभी भी चिकित्सकों की संख्या इतनी खाली है। साथ ही फ्रेंड, इसकी चर्चा किया जाए तो 50% पद अभी भी आपको डॉक्टर्स में खाली है। अब हम चलते हैं आपके पॉइंट पर। इसी प्रकार ग्रेड ए नर्स की 15,613 पद स्वीकृत है, फिर से देख लीजिए, ग्रेड ए नर्स की बात कीजिएगा तो 15,613 पद स्वीकृत है बिहार राज्य के अंतर्गत। वहीं अगर बात करोगे तो इसकी जगह पर सिर्फ 10,013 नर्स यहाँ पर कार्य कर रही है। तो यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखने को मिल रहा है कि 5,000 से प्लस ज़्यादा सिद्ध ग्रेड ए नर्स के लिए यहाँ पर सीट अभी भी खाली है। हम चलिए आपको ले चलते हैं ANM पर। ANM की बात करेंगे तो यहाँ से गौर से आप लोग देख लीजिएगा ANM का डिटेल्स। ANM की बात कीजिएगा तो ANM का जो स्वीकृत पद है यहाँ पर 29,479, देख लीजिए 29,479 पद स्वीकृत है। जबकि कार्यरत की बात करोगे तो 17,655 पद ही यहाँ पर कार्यरत है। यहाँ पर देख सकते हो कि ANM का 29,000 पद यहाँ पर स्वीकृत है, लेकिन कार्यरत कितना है तो 17,654। इसमें अगर इतना में से 17,654 को माइनस करोगे तो 11,000 से प्लस ही सीट यहाँ पर दिखने को मिलेगा। यानी कि बिहार राज्य में अभी भी 11,000 ANM की जरूरत है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये भी लिखा है कि 40% पद रिक्त है, संविदा वाले चिकित्सकों के भी 36% कम है, जबकि ग्रेड ए नर्स की स्वीकृति संख्या के अनुपात में 91% पद रिक्त है। इसी प्रकार ANM के स्वीकृत पदों में 85% पद रिक्त है, यानी कि बिहार में अभी भी खाली पदों की संख्या 85% है ANM की। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं इसी आंकड़ा को लेकर के, इसी जो डिटेल्स यहाँ पर दिया है 29,479 स्वीकृत पद, जबकि 17,655 कार्यरत है, तो खाली पदों की संख्या की बात करेंगे तो इसमें से अगर माइनस करोगे तो 11,000 से प्लस अधिक सीट ऐसा है जो ANM के लिए खाली है। हम आपको पिछले वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दी थी कि ANM की बहुत सारी सीटें अभी भी खाली है, इसीलिए जो कैंडिडेट अभी बेरोजगार हैं, वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ANM की फिर से एक बार अच्छी वैकेंसीज आने वाली है।
अब बात कर लेते हैं कि ये जो 11,000 ANM का जो हम बात कर रहे हैं, इसके लिए न्यू वैकेंसी कब से आएंगे। इसके लिए न्यू वैकेंसी की बात करोगे तो फिलहाल अभी 8,853 ANM की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। ये बहाली क्लियर हो जाने के बाद, ज्वाइनिंग इसका क्लियर हो जाने के बाद आप लोगों के लिए ये न्यू वैकेंसीज आएगी। अब इनका कैलकुलेशन अगर हम यहाँ से करेंगे तो न्यू वैकेंसी के लिए तो सिर्फ 8,853 पोस्ट की जो वैकेंसी है इससे क्लियर होते होते कम से कम मई माउंथ जा सकता है, क्योंकि अभी 13 अप्रैल तक इसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक एक डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। तो इसको मिलाकर के अगर बात करेंगे तो मई महीने के लास्ट तक जा सकता है। तो न्यू वैकेंसीज की अगर बात करिएगा, जो 11,000 पोस्ट की यहाँ पर खाली पद है इन सारी सीटों को भरने के लिए, तो न्यू वैकेंसी आपको यानी कि अगस्त के आसपास, यानी मई अप्रैल मई के बाद जून जुलाई अगस्त के आसपास, आप लोग याद रखिए कि अगस्त के आसपास आप लोग को नई वैकेंसी देखने को मिल सकता है ANM के लिए। तो ANM के लिए यहाँ से बहुत बड़ी खुशखबरी बन रही है कि अब राज्य भर में टोटल 11,000 ANM की बहाली जो अभी खाली पद है इनमें से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड ये बहुत खुशखबरी है, सारे स्टूडेंटों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। पिछले वीडियो के माध्यम से भी हम जानकारी दिए थे कि राज्य भर में बहुत सारे अभी नर्सों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, बहाली होने वाली है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। खास करके वैसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट ANM 8,853 में नहीं हुआ था उनके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग इन ANM की न्यू वैकेंसीज में अपने एप्लीकेशन अप्लाई करके अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पर लिंक आता है, कोई नया नोटिस आता है बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, हम आपको आकर के फिर से एक जानकारी देंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से मिलेंगे कुछ अच्छी जानकारी के लेकर के। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नया नोटिस आता है तो सबसे पहले हम अपडेट कर देते हैं। साथ ही फ्रेंड अगर वीडियो भी और भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपके लिए न्यू वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके। बिहार राज्य के ANM JNM से रिलेटेड हर जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, तो फटाफट सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आपके लिए न्यू वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।